प्यारे देशवासियों, आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, जिसे पूरा भारतवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है हर साल। लेकिन इस बार कोरोना नामक महामारी के कारण स्थितियां वैसी नहीं हैं, इसीलिए लॉकडाउन का पालन करते हुए बाबा साहब की जयंती को अपने घरों पे मनाएं। और ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए बाबा साहब के विचारों को अपने घरों में, अपने बच्चों के बीच उनके विचारों को फैलाएं, उनकी बातों को बताएं, ताकि आपके बच्चे बाबा साहब के भक्त नहीं बल्कि बाबा साहब के अनुयायी बने, उनके विचारों को लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचाने के लिए अपनी नई पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अपने बच्चों को बाबा साहब के विचार को बताएं, बताएं कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान नहीं बनाया, बाबा साहब ने एक नई दिशा दिया है समाज के आखिरी व्यक्ति को समाज के बराबर लाके खड़ा करने का। जो मैसेज बाबा साहब का है, उस मिशन के तहत आपको काम करने की जरूरत है, अपने बच्चों को तैयार करने की जरूरत है, ताकि बाबा साहब का जो अधूरा सपना था उस अधूरा सपने को पूरा करेंगे। वही सच्चे मानों में बाबा साहब के लिए खराज अकीदत होगी, वही सच्चे मानों में बाबा साहब के प्रति आपका प्यार होगा। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूं आपको, आप अपने बच्चों को संविधान की प्रस्तावना उसको जरूर पढ़ के बताएं। और बहुत अच्छा मौका है, सारे लोग अपने परिवार के साथ हैं, अपने परिवार में अपने घर की महिलाओं को, अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करें, उन्हें संविधान के बारे में बताएं, उनके मूल अधिकार क्या हैं उसको बताएं, और इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके कर्तव्य क्या हैं ये उनको बताएं। यही सच्चे मानों में आज के देश में, इस आज के टाइम में सच्चे मानों में यही बहुत बड़ी देशभक्ति होगी। और यही मेरा मैसेज है, बाकी जो आपको करना है आप करें, लेकिन घर की दहलीज पार ना करें। धन्यवाद।